हेलो यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू कर रही हूँ जो है टोनर। तो मैं जिस टोनर के बारे में बात कर रही हूँ वो है ये गुड वाइब का रोज़ ग्लो टोनर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड वाइब के ब्रांड के बारे में। तो गुड वाइब किस तरह का ब्रांड है? गुड वाइब एक बहुत ही अच्छा ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। मैंने इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। ये स्किन केयर से लेकर हेयर केयर बहुत सारे इसके इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। और गुड वाइब के जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ purple.com पर ही मिलेंगे, बाकी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इसे लेना होगा तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं इस टोनर के बारे में। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से दिखता है। इसका नेम है गुड वाइब रोज़ ग्लो टोनर। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं, तो ये प्लास्टिक की बॉटल में आता है जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत ही हैंडी डैंडी है। और सबसे अच्छी इसकी बात है कि ये स्प्रे बॉटल है, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है इसे यूज़ करना। और इसका कैप जो है वो मीन्स लूज़ नहीं है, टाइट है, तो अच्छे से बंद हो जाता है। तो इसे ये ट्रेवल फ्रेंडली भी बहुत अच्छा है क्योंकि आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं, ओपन होने की कोई भी चांसेस नहीं है क्योंकि इसे आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाकर ओपन करना पड़ता है, जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसका पंप जो है मीन्स स्प्रे जो है बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके फेस पे। ऐसा नहीं कि आपने स्प्रे किया तो बहुत ही इधर उधर जा रहा है या फिर बहुत सारी क्वांटिटी आपके फेस पे निकल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं इसकी क्वांटिटी के बारे में। तो ये है 200 ml की बॉटल है ये, और इसका प्राइस है 225 rupees। ये आपको ऑलवेज डिस्काउंट पे मिलेगा, तो हमेशा ये डिस्काउंट पे रहता है। मुझे ये डिस्काउंट विद डिस्काउंट की 194 समथिंग में मिला है। तो इसकी सेल्फ लाइफ है 2 years की, और यहाँ पर इसके कुछ यूजेस लिखे हुए हैं, कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं इनके, और हाउ टू यूज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, इनके इंग्रीडियंट्स लिखे हुए हैं। इसमें प्यूरिफाइड वाटर है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, रोज़ वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और गुड वाइब के जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो नो अल्कोहल, नो पैराबेंस, नो सल्फेट, क्वालिटी फ्री होते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि आप इनके प्रोडक्ट यूज करने से पहले आपको सोचना होगा, बिल्कुल भी। आपको इसकी ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा होता है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है इनका। और इनके सारे प्रोडक्ट जो होते हैं 200-300 अराउंड होते हैं, तो वो काफ़ी अफोर्डेबल भी होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा होता है कि हम एक बार तो ख़रीद भी लेते हैं, दूसरी बार ख़रीदने के लिए सोचना पड़ता है ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ। तो इनके प्रोडक्ट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा रेंज होता है इनका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, आपके आपको अच्छा एक क्लींजर का काम करता है, आपके ऑयल को रिमूव करता है आपके फेस से, डर्ट जो आपके पोर्स में क्लॉग्ड हो गया है ये उसे भी क्लीन करता है, आपके फेस को रिफ्रेश बनाता है। और इसे यूज़ कैसे करना है वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, हाउ टू यूज़। यू हैव टू टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड वाइब रोज टोनर ऑन ए कॉटन पैड एंड डैब इट ऑन योर फेस एंड नेक एंड यूज़ इट ट्वाइस डेली फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो जिस तरह से ये इस पर लिखा हुआ है मैं ऐसे यूज़ नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, ये स्प्रे बॉटल में है तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है इसे यूज़ करना, तो मैं डायरेक्टली स्प्रे कर लेती हूँ इसे। बट टोनर के साथ ऐसा होता है कि आपको इसे पास से स्प्रे नहीं करना होता है, आपको इसे दूर से स्प्रे करना होता है। क्योंकि क्या होता है कि कोई सा भी टोनर आप कोई भी टोनर यूज करते हैं तो वो अगर आइज़ में चला जाए तो थोड़ी सी ईचिंग, थोड़ी सी बर्निंग होती है। और यहाँ पर भी इसके बॉटल पर भी लिखा हुआ है कि बी केयरफुल विथ कॉन्टैक्ट विथ आइज़, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। और ये बहुत ही अच्छा टोनर है। और टोनर करता क्या है, टोनर हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपके बहुत आपके फेस को बहुत ही अच्छे से क्लींज करता है, डर्ट को रिमूव करता है, आपके स्किन को हाइड्रेट रखेगा, आपके स्किन को इवन बनाता है। आपको जो भी एक्ने के प्रॉब्लम होते हैं, ब्लैक हेड्स के प्रॉब्लम होते हैं, ये उनमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। टोनर हमारे पोर्स को टाइट करता है, हमारे हमारे फेस के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। तो टोनिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं, मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख लिया अपने फेस का। ऐसा नहीं है, आपको टोनिंग स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं जो इसका नेम है उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि इसका नेम है रोज़ ग्लो टोनर।
तो मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली कि ये आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो लाता है। तो पता नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं दिखेगा अपने चेहरे पे। मैं पर्सनली इसे यूज़ करती हूँ, मैं मुझे यूज करते हुए 10 से 12 दिन हो गए हैं। मैं इसे सुबह शाम, मतलब सुबह और रात में सोने टाइम पर यूज करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे थोड़ी सी लिटिल बिट ऑफ शाइनिंग, मेरी फेस थोड़ी सी शाइन शाइन करती है। तो ये अच्छा टोनर है, आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। प्राइस रेंज इनकी काफ़ी अच्छी है। और रोज़ टोनर तो हमें ऐसे भी, हम लड़कियों को अट्रैक्ट करता है, कोई सा भी रोज़ टोनर हो तो हमें लगता है कि नहीं, हमें यूज़ करना चाहिए। तो अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। इसे तो मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। आप टोनर यूज़ करने से पहले अपने फेस को ऑलवेज़ क्लीन करें, और क्लीन करने के बाद अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। आप देख सकते हैं कितना टाइट है, ये मुझसे ओपन ही नहीं हो रहा जल्दी। तो आप इसे दूर से ऑलवेज स्प्रे करें। इसे ड्राई होने दें थोड़ी देर के लिए, और हमेशा आईज़ को क्लोज करके ही स्प्रे करें, तो ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा। और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बहुत ही थोड़ी देर में बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो मैं इसे इसी तरह से यूज़ करती हूँ, मैं कॉटन में लेकर नहीं अप्लाई करती हूँ, ये ऐसे ही मुझे ईजी लगता है। तो आपको इसे बेस्ट रिजल्ट के लिए यूज़ करना है ट्वाइस। आप इसे डे टाइम पे एक बार यूज़ कर लें, एक बार नाइट टाइम पे सोते टाइम पे यूज़ कर लें, तो ये आपके फेस में बहुत ही अच्छा, आपके फेस को हाइड्रेट करेगा, आपके फेस के पोर्स को आपके टाइट करता है, तो बहुत ही अच्छा होता है। आपको डेफिनेटली टोनर को यूज़ करना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये हो चुका ड्राई। तो आप लोगों ने देखा कितनी इजीली और कितनी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है ये फेस पे। इसका जो पंप है, जो स्प्रे है, बहुत ही फाइन है, बहुत ही अच्छे से स्प्रे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत इधर उधर बहुत ज़्यादा निकल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप डेफिनेटली एक ट्राई इसे ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टोनर है और इसमें मिलता है आपको, तो मैं आपको इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप चेक कर लीजिएगा। तो होप आप लोगों के लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल हो और आप लोगों को पसंद आई हो। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल मुस्कान हैप्पीनेस को, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।